हेलो दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव देखेंगे। दोस्तों, एडजेक्टिव का जो ग्रामर में काम है वो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या फिर गुण या फिर अवगुण को बताता है। आइए इसकी परिभाषा या डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या गुण बताए या अवगुण बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में हम देखना चाहें, समझना चाहें तो लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव वो शब्द है दैट मॉडिफाइज, जो विशेषता बताता है और या डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है नाउन और प्रोनाउन को। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ही इज ए टॉल बॉय, वह है एक लंबा लड़का। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव शब्द होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है, गुण बताता है, अवगुण बताता है। यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है और बॉय जो है यहाँ पर नाउन है। तो इस लड़के की, ये जो बॉय है, इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? टॉल बता रहा है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव है कि लड़के की विशेषता क्या है? लंबाई। उसका लंबापन उसकी विशेषता है, उसकी खासियत है, उसका गुण है। तो इसलिए टॉल शब्द जो है वो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता ये टॉल शब्द बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरा ये भी तरीका है कि आप इस सेंटेंस के अंदर कैसे, यानी हाउ से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, आपको एडजेक्टिव का पता लग जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि वह कैसा लड़का है, तो आपको उत्तर मिला लंबा। इसी तरीके से सुनीता इज़ ए गुड गर्ल, सुनीता एक अच्छी लड़की है। गर्ल यहाँ पर नाउन है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो वो लड़की की विशेषता खासियत क्या है, गुण क्या है? गुड, अच्छापन होना। तो अगर मैं इसमें कैसे, यानी हाउ से प्रश्न पूछूं, तो आपको एडजेक्टिव का पता लग जाएगा। जैसे सुनीता कैसी लड़की है, तो उत्तर मिला आपको अच्छी, गुड। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। राम हैज़ ए रेड पेन, पेन की विशेषता क्या है? लाल होना। तो राम के पास एक रेड पेन है, तो मैं अगर हाउ लगा के प्रश्न पूछूं, तो आपको एडजेक्टिव पता लग जाएगा। जैसे राम के पास कैसा पेन है, तो आपको उत्तर मिला रेड। तो रेड इसमें एडजेक्टिव हुआ। इसी तरीके से ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। तो वह कैसा आदमी है? बूढ़ा। तो यहाँ पे ओल्ड जो है एडजेक्टिव हुआ। उसी तरीके से शी हैज ए ब्लू कार, उसके पास ब्लू कार है। तो उसके पास कैसी कार है? तो ब्लू। तो ब्लू इसमें एडजेक्टिव है। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अकबर जो थे वो एक महान राजा थे। तो मैं कैसे लगा के, हाउ लगा के प्रश्न पूछूं, तो आपको एडजेक्टिव का पता लग जाएगा। जैसे कि अकबर कैसे राजा थे, तो आपको उत्तर मिला महान, ग्रेट। तो ग्रेट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। उसी तरीके से दिस इज़ ए हैवी बैग, यह एक भारी बैग है। मैं कैसे से प्रश्न पूछूंगा, तो आपको उत्तर मिलेगा कि यह कैसा बैग है, तो आपने उत्तर दिया हैवी, भारी। आई लिव इन ए बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। तो मैं कैसे घर में रहता हूँ? बड़े। तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। सुनीता हैज़ ए मेलोडियस वॉइस, सुनीता के पास मीठी आवाज़ है। तो सुनीता के पास कैसी आवाज़ है? मेलोडियस। तो यहाँ पे मेलोडियस एडजेक्टिव है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये उत्तर मिला हमें ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद देखो कोई नाउन नहीं है, कोई आगे इसके वर्ड नहीं है, तो शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की यहाँ पे विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो जैसा कि मैंने बोला कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो यहाँ पे शी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की ही विशेषता यहाँ पे ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ काइंड्स देख लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसमें गुणों की बात होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें मात्रा की बात होगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें संख्या की बात होगी। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं, इसमें इशारे की बात होगी नाउन की तरफ। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें अधिकार की बात होती है, संबंध की बात होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये अब आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं।
जैसे फर्स्ट है आई हैव ए ब्लू पेन, यानी मेरे पास एक ब्लू पेन है। तो पेन की विशेषता क्या है? पेन क्या है यहाँ पे? नाउन है। आई क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। तो इस पेन की विशेषता क्या है? ब्लू, यानी ये नीला है। ठीक है, जो पेन है वो नीला है, तो उस पेन की विशेषता क्या है? ब्लू। ठीक है, तो अब इसका पता कैसे लगेगा कि इस पूरे वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है? तो आपको कुछ नहीं करना, बट लेकिन व्हाट काइंड से या फिर हाउ, यानी कैसा, कैसे, कैसी से आपको प्रश्न पूछना है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का, किस तरह का, आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे आई हैव ए ब्लू पेन, मेरे पास एक नीला पेन है। तो अगर मैं कैसा लगा के पूछूं प्रश्न कि भाई मेरे पास कैसा पेन है, तो आपको उत्तर मिला ब्लू। तो ये जो ब्लू शब्द है यही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। तो आप कैसा लगा के प्रश्न पूछें तो आपको उत्तर मिलेगा कि उसके पास कैसा, उसके पास कैसी कार है, तो आपको मिला उत्तर न्यू, नई कार है। तो न्यू जो है इसमें एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है द रेड शर्ट इज़ देयर, लाल शर्ट जो है वहाँ है। तो कैसी शर्ट है, कैसी शर्ट है, तो रेड है, तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई ड्रैंक कोल्ड कॉफ़ी, मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी। तो कैसा करके आप प्रश्न पूछें, कैसी कॉफ़ी पी, तो कोल्ड कॉफ़ी पी, तो कोल्ड आया उत्तर, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। ठीक है, कोल्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो आइए अब नोट देखते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का वर्णन करते हों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब वो क्वालिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो समझ लेते हैं। जैसे साइज, कि भाई लॉन्ग, थिन, फैट एक्सेट्रा, जैसे वो लड़का मोटा है, वो लड़का पतला है, तो ये उस लड़के की विशेषता हुई। तो यहाँ पे कलर की बात करें, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, कि भाई मेरे पास वाइट कार है, मेरे पास ब्लैक शर्ट है। ठीक है, तो शर्ट की विशेषता बताई जा रही थी, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है। टेस्ट, स्वीट, बिटर या फिर सावर। फिर उसी तरीके से बिहेवियर इसमें आता है क्वालिटी में, काइंड, क्रूअल, जेंटल, कि भाई निर्दयी है या दयालु है बंदा। कंडीशन, गुड, बैड, डर्टी, वीक, स्ट्रॉन्ग वगैरह। तो ये सभी जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है, इसको हम परिमाणवाचक विशेषण भी बोलते हैं। क्वांटिटी से यहाँ पे मतलब है मात्रा, और क्वांटिटी यानी मात्रा को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही हैज़ नॉट मच मिल्क, उसके पास ज़्यादा दूध नहीं है, उसके पास ज़्यादा दूध नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हाउ मच से आपको प्रश्न पूछना है, हाउ मच से आपको क्वेश्चन करना है। हाउ मच मतलब कितना, कितने, कितनी। तो जैसे उसके पास ज़्यादा दूध नहीं है, तो आप हाउ मच लगा के क्वेश्चन पूछें कि भाई उसके पास कितना, कितना दूध नहीं है, तो आपको उत्तर मिलेगा ज़्यादा, ज़्यादा दूध नहीं है। तो ज़्यादा यानी मच जो है ये एडजेक्टिव हुआ, यही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ इस वाक्य के अंदर। नेक्स्ट है ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। तो अगर हम हाउ मच लगा के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको एडजेक्टिव का पता लग जाएगा इस वाक्य में, कि भाई उसके पास कितना पैसा है, तो आपको उत्तर मिला इनफ है, पर्याप्त मात्रा में। तो आपका इनफ जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। उसी तरीके से यू हैव सम शुगर, कि तुम्हारे पास थोड़ी चीनी है, तो भाई तुम्हारे पास कितनी चीनी है, तो उत्तर मिलेगा थोड़ी, थोड़ी चीनी है। तो सम यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। देर इज़ ए लिटिल फूड इन द फ्रिज, कि वहाँ पे फ्रिज में थोड़ा ही, थोड़ा सा भोजन है, तो फ्रिज में कितना फूड है, कितना खाना है, तो उत्तर मिला ए लिटिल, यानी थोड़ा खाना है। तो ये हुआ ए लिटिल आपका एडजेक्टिव। अगर हम नोट पे ध्यान दें, ऐसे एडजेक्टिव्स को जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण भी बोलते हैं। तो क्योंकि नंबर है, तो जाहिर सी बात है आप इसको काउंट कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था उसको आप
गिन नहीं सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसका पता लगाने के लिए आप हाउ मैनी से आप प्रश्न पूछेंगे, हाउ मैनी मतलब कितना कितने कितनी। जैसे देर आर सेवरल बुक्स, कई सारी किताबें हैं। सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो जैसे मैं अगर हाउ मैनी से अगर क्वेश्चन करूँगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि इस पूरे वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे नाउन है, प्लेइंग जो है यहाँ पे वर्ब है। तो कितने लगा के आप प्रश्न पूछे आपको पता लग जाएगा कि सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो आप हाउ मैनी से प्रश्न पूछें कि कितने लड़के खेल रहे हैं, तो आपको उत्तर मिला सम, यानी कुछ लड़के। तो सम जो वर्ड हुआ ये एडजेक्टिव हुआ। देर आर सेवरल बुक्स, कि भाई कई किताबें हैं। तो भाई कितनी किताबें हैं, तो आपको उत्तर मिला सेवरल, यानी कई। तो यहाँ पे कई जो सेवरल है ये एडजेक्टिव हुआ। आई नो मैनी गर्ल्स, मैं जानता हूँ कई लड़कियों को। तो आप क्वेश्चन करें हाउ मैनी लगा के कि कितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ, तो आपको उत्तर मिला मैनी, कई। तो मैनी जो है शब्द ये हुआ आपका एडजेक्टिव। वी हैव टू हैंड्स, हमारे पास दो हाथ हैं। तो हमारे पास कितने हाथ हैं, तो उत्तर मिला आपको टू। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। नोट पे ध्यान दें, तो जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो कुछ नंबर ऐसे डेफिनेट नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब जो है क्रम होते हैं। और कुछ इनडेफिनेट होते हैं, तो इसमें ऑल, सम, सेवरल, ए फ्यू, बोथ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ में है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। इसमें जो है ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम, ये सभी जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, अब ये जो बुक है ये नाउन है, और दिस क्या कर रहा है, जो दिस है ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है कि दिस बुक, यह बुक इज़ माइन, मेरी है। दिस एग, यह अंडा इज रोटन, सड़ा हुआ है। तो ये जो दिस है ये एग की तरफ यानी नाउन की तरफ, जो दिस है ये बुक की तरफ यानी नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड, वो लड़के आर माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। दीज मैंगोज, ये मैंगोज, ये जो आम हैं ये आर राइप यानी पके हुए हैं। तो ये जो दिस, दीज, दिस, दोज, दैट वगैरह, ये जो है सच, सेम, ये सब क्या करेंगे, नाउन की तरफ इशारा करेंगे। और इनके साथ आपको ध्यान देना है कि इन दिस, दोज, दीज, दैट के साथ नाउन जरूर रहता है। जैसे सबके साथ देखो नाउन जुड़ा हुआ है, बुक, बॉयज, एग, मैंगोज वगैरह। नोट पे अगर हम ध्यान दें, तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन रहे तब दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं इन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण भी बोलते हैं। तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हुज़ बैग इज़ दिस, मतलब किसका बैग यह है। तो हुज़ डब्ल्यू एच फैमिली है, उसके बाद देखो नाउन है, विच डब्ल्यू एच फैमिली है, फिर यहाँ पे हाउस जो है नाउन है। तो जब नाउन के साथ जो है डब्ल्यू एच फैमिली जुड़कर होगी तब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नोट पे हम ध्यान दें, तो जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव हुज हुआ और नाउन बैग हुआ, ठीक है। तो एडजेक्टिव का नाउन के साथ जुड़ करके और हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे हुज बैग, विच हाउस, हुज के बाद नाउन बैग आ रहा है, विच के बाद हाउस, नाउन हाउस आ रहा है, विच के बाद वे, ये नाउन है, विच गिफ्ट, ये नाउन है, गिफ्ट जो है, विच टाइप ऑफ साइकिल, ये नाउन है, ठीक है। तो अगर डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कोई नाउन जुड़ के आए और हम प्रश्न पूछें तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हुज बैग इज दिस, किसका बैग यह है, विच हाउस इज हर्स,
कौन सा घर उसका है, विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम जाएं, विच गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गिफ्ट जो है तुमने बहुत पसंद किया, विच टाइप ऑफ साइकिल डू यू प्रीफर, किस तरह की साइकिल तुम पसंद करते हो। तो अगर हम नोट पे ध्यान दें तो विच व्हाट एंड हुज फंक्शन एज एडजेक्टिव्स ओनली व्हेन दे आर फॉलो बाय ए नाउन। तो जब नाउन के जब फॉलो किया जाता है उनके साथ तब जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव जो है संबंधवाचक विशेषण इनको कहते हैं और इसमें अधिकार की बात होती है। शी इज़ माई फ्रेंड, तो शी इज़ वह है मेरी फ्रेंड। तो माई जो शब्द है ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है और इनके साथ हमेशा नाउन जो है लगा रहेगा। जैसे देखो अमित इज़ हर ब्रदर, हर के साथ क्या है ब्रदर, माई के साथ क्या है फ्रेंड। योर शर्ट इज़ देयर, योर के साथ देखो नाउन शर्ट इज़ देयर, माई के साथ देखो मोबाइल इज़ हेयर। तो मोबाइल क्या है नाउन है, शर्ट क्या है नाउन है, फ्रेंड क्या है नाउन है, ब्रदर क्या है नाउन है। तो इसमें अधिकार की बात होती है और इसका पता लगाने के लिए आप हुज़ से जो है प्रश्न करेंगे। हुज़ का मतलब यहाँ पे किसका किसकी से है कि भाई शी इज़ माई फ्रेंड, तो आप इसमें हुज़ लगा के प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एडजेक्टिव का पता लग जाएगा कि इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड कि भाई वह किसकी फ्रेंड है, वह किसकी फ्रेंड है, तो उत्तर मिला माई यानी मेरी। तो ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अमित इज़ हर ब्रदर, अमित किसका भाई है, तो उत्तर मिला आपको हर उसका भाई। योर शर्ट इज़ देयर, वहाँ किसकी शर्ट है, तो उत्तर मिला तुम्हारी। माई मोबाइल इज़ हेयर, यहाँ किसका मोबाइल है, तो आपको उत्तर मिला माई मेरा। तो यहाँ पे माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है। नोट पे ध्यान दें तो पजेसिव एडजेक्टिव्स शो ऑनरशिप यानी अधिकार को दिखाता है और या रिलेशनशिप यानी संबंध को दिखाता है बिटवीन टू नाउन्स के बीच में। तो माई हुआ, योर हुआ, आर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, इट्स हुआ तथा देयर से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, इन्हें ही पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, तो उसमें आते हैं माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स और देयर, इन सभी को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में चार मेन तौर पे आते हैं, जैसे ईच, एवरी आता है, नाइदर या नीदर और ईदर, ये चार जो है आते हैं। अब नोट पे हम देखें तो वैसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक ईच वन का बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो जैसे मान लो कोई ग्रुप होगा बड़ा, कोई समूह होगा, बहुत सारे लोग होंगे, वस्तुएं होंगी, तो उसमें से ईच वन का बोध होगा, उसमें प्रत्येक एक एक का बोध होगा। ठीक है, और समझें इसको, तो ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ जो है नाउन जरूर जुड़ा रहेगा और अगर नाउन जुड़ा है तभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इनके साथ क्या है नाउन होना चाहिए तभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे देखो ईच गर्ल, ईच के साथ क्या है गर्ल, ये नाउन है। एवरी के साथ क्या है बॉय, ये नाउन है। नीदर के साथ बॉय, ये नाउन है। तो इनके साथ नाउन जरूर होना चाहिए। तो ईच गर्ल गॉट ए बुक, यानी प्रत्येक लड़की को एक किताब मिली या प्राप्त हुई। तो मान लो कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थीं, तो उन सभी लड़कियों में सभी को एक एक करके ईच वन को एक किताब मिली। एवरी बॉय केम हेयर, यानी वहाँ पे मान लो बहुत सारे लड़के हों तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हर लड़का यहाँ पे आया। नीदर बॉय इज़ हैंडसम, नीदर जो है दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए आता है, तो यहाँ पे मतलब है कि दोनों लड़कों में से कोई भी हैंडसम नहीं है। नीदर गर्ल वॉज प्रेजेंट, यानी दोनों लड़कियों में से कोई भी प्रेजेंट उपस्थित नहीं थी। ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर भी जो है दो लोगों या दो वस्तुओं के लिए आता है कि तुम में से कोई भी, तुम दोनों में से मतलब कोई भी कैन गो जा सकता है। एवरी वर्ड इज़ करेक्ट, हर शब्द जो है करेक्ट है, सही है। फिर अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स की। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है
नोट पे अगर हम ध्यान दें तो प्रॉपर नाउन से अगर बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब जैसे इंडिया, बिहार, पंजाब और अमेरिका प्रॉपर नाउन है, और इनसे बने वर्ड जैसे इंडियन, बिहारी, यानी इंडिया से इंडियन, बिहार से बिहारी, पंजाब से पंजाबी और अमेरिका से अमेरिकन, ये जो शब्द हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की ही तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी जो पहला लेटर होगा वो जो है कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का भी जो पहला लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो कैपिटल में आता है, तो उसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव्स का भी पहला लेटर जो है कैपिटल में होता है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ ही इज़ एन इंडियन, यानी वह है एक भारतीय है, इंडियन है, तो ये जो इंडियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज़ ए बिहारी, वह एक बिहारी है, तो बिहारी जो है ये एडजेक्टिव है। रवि वियर्स, रवि पहनता है पंजाबी ड्रेस। अब ड्रेस जो है यहाँ पे नाउन है और पंजाबी जो है यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। वी लाइक इंडियन फूड, अब फूड यहाँ पे नाउन है और इंडियन जो है एडजेक्टिव है। वी लाइक, हम पसंद करते हैं इंडियन फूड, भारतीय फूड। ही हैज़ एन अमेरिकन वॉच, अब वॉच क्या है नाउन है और अमेरिकन क्या है एडजेक्टिव है, कि उसके पास अमेरिकन वॉच है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर नाउन को बदल करके हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से मतलब जिसका एक प्रॉपर नेम हो, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा आपको। ओके बाय।